भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुंबई स्थित निवास राजगृह पर तोड़फोड़ के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर सूबे की सियासत भी गर्मा गई है। ये तस्वीरें हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के निवास राजगृह की, जहां मंगलवार की शाम तोड़फोड़ की गई। बाबा साहेब का ये निवास मुंबई के दादर इलाके में है। दो अज्ञात लोगों ने राजगृह परिसर में घुसकर पथराव किया और तोड़फोड़ की। आरोपी हमलावरों ने घर में लगे सीसीटीवी को भी निशाना बनाया। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मुंबई के दादर निवास पर बीती शाम कुछ अज्ञात शख्स ने तोड़फोड़ की और मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने पुलिस को इस मामले में फौरी तौर पर कड़ी कार्रवाई करने की हिदायत दी है। घर में तोड़फोड़ किसने और क्यों की, ये अभी साफ नहीं है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इस मुद्दे को लेकर सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी ने इसे संविधान पर हमला बताया है। संविधान निर्माता के घर पर हमला, यानी कि संविधान पर हमला, लोकतंत्र पर हमला, दलितों के अस्मिता मान बिंदु पर हमला, जिन्होंने भी ये हमला किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ये मेरी मांग है। बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर पलटवार किया है। बीजेपी नेता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि उद्धव सरकार में दलितों पर अत्याचार बढ़ गया है। हिंदुओं के ऊपर कंदमाल हो, चाहे या अब ये घटना हो दलितों के आइकॉन के ऊपर, तो मुझे लगता है कि यह चीज महाराष्ट्र गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही। बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया ने आरोप लगाया है कि ये मनुवादी लोगों की साजिश का हिस्सा है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अत्यंत निंदनीय है, ये जो मनुवादी लोग हैं इनकी साजिश का हिस्सा है। इस देश में जो सामंतवादी जुल्म अन्याय, और क्योंकि बाबा साहब समता मूलक समाज को बनाना चाहते थे, मिशन को आगे बहन मायावती जी बढ़ा रही हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है। डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।